कॉलेज से माइक्रोसॉफ्ट तक का सफर। चलिए तो स्कूल में हम सबको बोला जाता है कि लास्ट के 2-3 साल जो है बस मेहनत कर लो, उसके बाद तो ऐश ही ऐश है। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे यही बोला है, उनकी बात मान के मैंने स्कूल के लास्ट 2 साल पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज पे फोकस नहीं किया। तो जब फाइनली मैं कॉलेज में आई तो मुझे लगा कि यार अब तो बहुत मेहनत हो गई, अब है मेरा टाइम ऐश करने का। तो मैंने वही किया जो कॉलेज स्टूडेंट्स करते हैं, कॉलेज में घुसते ही वो अपने फ्रीडम का फायदा उठाते हैं, घूमते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, कॉलेज फेस्ट में जाते हैं। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी कॉलेज सोसाइटीज भी ज्वाइन कर ली, खुद के कॉलेज के फेस्ट में वॉलंटियर किया, थोड़ी बहुत क्लासेस भी बंक करी, लेकिन एग्जाम्स के टाइम पे पढ़ लिया। तो एग्जाम्स में मेरे काफ़ी डिसेंट मार्क्स आ गए। क्यों? क्योंकि मैंने दोस्त ऐसे बनाए थे जो कि उतना ही पार्टी करे जितना वो पढ़े भी। तो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते करते हम लोगों ने पढ़ भी लिया एंड आई मैनेज टू स्कोर इतना कि आई गॉट अपग्रेडेड फ्रॉम आईटी ब्रांच टू कंप्यूटर साइंस ब्रांच। अब वैसे तो आईटी और कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में जाते ही मैंने देखा कि मेरे अराउंड जो स्टूडेंट्स थे उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोडिंग आती थी। आई फेल्ट दैट कॉम्पिटिशन अराउंड मी। वो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से ही नहीं बल्कि उससे पहले स्कूल से ही कोडिंग सीख कर आ रहे थे। दे वर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर इंटर्नशिप्स, दे वर विनिंग हैकाथॉन्स, दे वर विनिंग स्कॉलरशिप्स एंड ऑल दिस वाइल मुझे सिर्फ सी लैंग्वेज में नंबर रिवर्स करना आता था। तो देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, अब हो गई काफ़ी ऐश, अब वापस जो है मेहनत करने का टाइम है। एंड सो स्टार्टेड माई कोडिंग जर्नी एंड प्रेपरेशन फॉर एन इंटर्नशिप, क्योंकि ऐश करने के लिए पैसे भी चाहिए थे एंड अब इस एज में आके पेरेंट्स से पैसे मांगते हुए थोड़ी तो शर्म आई जाती है। तो मैंने अपने आप को एक कोर्स में एनरोल कर लिया फॉर लर्निंग कोडिंग। C++ में मैंने सीखना स्टार्ट किया, प्रोग्रामिंग के एकदम बेसिक से लेकर एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स लाइक ग्राफ, DP, वहाँ तक सब कॉन्सेप्ट्स कवर करे पहले 3-4 महीने में एंड देन कोडिंग प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की रेगुलरली। लेकिन ऑल दिस वाइल मैंने कभी भी फेस्ट और सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करना बंद नहीं किया। आई वॉज इवन हेडिंग द फैशन सोसाइटी ऑफ माई कॉलेज एंड द टेक्निकल फेस्ट इन माई कॉलेज इन माई सेकेंड ईयर, क्योंकि ये सब चीज़ें करके आई लर्नड हाउ टू मैनेज माई टाइम, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, लोगों से बात कैसे करना है, उनके साथ काम कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोगों से काम कैसे करवाना है। एंड ग्रेजुअली आई लर्नड हाउ टू बैलेंस बिटवीन कोडिंग एंड ऑल दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। कई बार जब मैं बहुत स्ट्रेस हो जाती थी इन एक्स्ट्रा चीज़ों से तो मेरे पेरेंट्स मेरे से पूछते थे कि क्या फ़ायदा ये सोसाइटी में हेड करके या फिर ये फेस्ट करवा के, तुम्हारा कहीं नाम तो आएगा नहीं एंड इससे ना ही तुम्हें कोई इंटर्नशिप या जॉब मिलने वाली है। अब उस समय मेरे पास कोई अच्छा आंसर नहीं था इसका, लेकिन अब आई कैन से कॉन्फिडेंटली कि डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ऑल ऑफ दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डिड हेल्प मी इन रीचिंग वेयर आई एम टुडे। वन एग्जाम्पल इज कि फेस्ट में वॉलंटियर करते हुए आई मेट अ सीनियर जिन्होंने मुझे बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिससे तुम सेकेंड ईयर में ही इंटर्नशिप ग्रैब कर सकते हो एंड आई वॉज लाइक ये तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि हम नहीं मिस कर सकते। तो आई स्टार्टेड कोडिंग इवन मोर विगरेसली, मैंने वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट किया, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, अपना एक अच्छा प्रोफाइल बनाया लिंक्डइन पे भी, रेज्यूमे पे भी। इसके साथ साथ जो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स थे जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इन सब सब्जेक्ट्स पे और ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया, मॉक इंटरव्यूज़ दिए ताकि मुझे पता चले कि इंटरव्यूज़ में होता क्या है एंड मॉक इंटरव्यूज़ इज़ द बेस्ट थिंग आई डिड ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन। क्योंकि जो आपकी कोडिंग की प्रेपरेशन होती है वो तो एक चीज़ होती है और जो आपके इंटरव्यू की प्रेपरेशन होती है दैट इज़ डिफरेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यूअर को कैसे आंसर देना है, कैसे समझाना है अपनी अप्रोच, उनके अब जो क्वेश्चन है उसको कैसे समझना है एंड फाइनली कैसे आंसर करना है, कैसे एज केसेस कंसिडर करने, कैसे ड्राई रन करना है अपना कोड, ये सब चीज़ें तभी आती है जब आप मॉक इंटरव्यूज़ दें। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो मेरा इंटरव्यू लिया था सेकंड ईयर में, दैट वाज माय फर्स्ट एवर इंटरव्यू एंड देयर वाज नो स्कोप फॉर मिस्टेक्स। इस वजह से मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई इन नोइंग माई वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। कोडिंग प्रेपरेशन के लिए मैंने एक टाइम सेट कर लिया था अपने लिए कि इस टाइम से इस टाइम हम सिर्फ कोडिंग करेंगे। इवन कॉलेज में जब भी मुझे टाइम मिलता था, कोई क्लास कैंसिल हो गई या फिर कोई प्रोफेसर ठीक से
मुझे लग रहा है नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मैं जाके लाइब्रेरी में बैठ जाती थी एंड वहाँ पे अपनी कोडिंग प्रैक्टिस करती थी, फ्रेंड्स के साथ क्वेश्चंस करती थी, डिस्कस करती थी डिफरेंट अप्रोचेस। एंड इन 2-3 महीने की विगरेस प्रेपरेशन के बाद आई फाइनली स्टार्टेड गिविंग द राउंड्स। माइक्रोसॉफ्ट के 4 राउंड्स थे जो कि एक एक करके क्लियर होते गए समहाउ, एंड आई फाइनली हैड द इंटर्नशिप ऑफर लेटर इन माई हैंड। जब मुझे वो ऑफर लेटर मिला माइक्रोसॉफ्ट से एंड मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, तो उन्होंने वो इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ ठीक है, कोई अनपेड इंटर्नशिप होगी, काम होगा, क्योंकि अभी मैं सेकेंड ईयर में ही थी। बट दे टुक इट सीरियसली जब मैंने एक्चुअली काम करना स्टार्ट किया माइक्रोसॉफ्ट के लिए, एंड मेरी जो स्टाइपेंड है वो मुझे मिलने लगी। तो इनिशियली ये एक बहुत फारफेच्ड ड्रीम लग रहा था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ 30 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करता है ऑल ओवर इंडिया फॉर दिस प्रोग्राम, फॉर दिस इंटर्नशिप इन सेकेंड ईयर, एंड आई गॉट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ इट। उससे मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला। ऐसा होता है ना कि जब तक तुम अपना पहला गोल अचीव नहीं कर लेते, तब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है ना थोड़ा लो होता है, तुम्हें डाउट्स होते हैं अपने ऊपर कि हम कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जैसे ही पहला गोल जो है अचीव हो जाता है, तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अगर हमने ये कर लिया तो हम 10 और चीजें भी अचीव कर सकते हैं। एंड दिस माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप वॉज दैट फर्स्ट गोल फॉर मी। इंटर्नशिप करते वक्त मुझे लगा कि हाँ यार, अगर ये हम क्रैक कर सकते हैं, तो हम एक फुल टाइम ऑफर भी शायद माइक्रोसॉफ्ट से क्रैक कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने और अपनी प्रेपरेशन करनी स्टार्ट की, और मेहनत करी, और प्रोजेक्ट्स बनाए, हैकाथॉन्स में पार्ट लिया, कोडिंग प्रैक्टिस करी, जब तक मेरे को फुल टाइम ऑफर नहीं मिल गया माइक्रोसॉफ्ट से। थर्ड ईयर के एंड में मुझे ये फुल टाइम ऑफर मिला, तो इसका मतलब 4th ईयर ऑफ कॉलेज मैंने फिर से अपने फर्स्ट ईयर की तरह ही मनाया, जहाँ पे आई स्पेंड टाइम ऑन हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, ऑन एक्सपीरियंसेस एंड ऑन माय अदर हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स जो कि मुझे फॉलो करने थे। कॉलेज के फर्स्ट दिन पे जिस उर्वी ने कॉलेज को एंटर किया था, उसको कुछ नहीं पता था, उसको बस ये पता था कि हाँ, हमें कुछ ऐसा करना है जिसमें हमें भी मज़ा आए और पेरेंट्स भी प्राउड हो जाए। लेकिन ये आइडिया नहीं था कि कैसे होगा, क्या करना है, क्या प्रोसेस है, कहाँ जाना है, आई हैड नो आइडिया। उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इट हैज़ बीन क्वाइट एन इंटरेस्टिंग जर्नी, एंड हर किसी की जर्नी उनकी खुद की होती है। आई होप आपकी भी जर्नी उतनी ही इंटरेस्टिंग हो, इफ नॉट मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।